हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद त्रिगन चौबे चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पराकिट बुकानेर वर्सेस जेंट्स टीएनटी के बीच में होने वाला ड्रीम इलेवन ट्रिनिडा टी10 फोर्थ ब्लास्ट का फोर्थ एडिशन का 10th टी10 मैच है भाई। और ये जो मैच है भारत के टाइम के अनुसार रात को 12 बजे खेला जाएंगे। अभी भी ये मैच स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम बचे हैं। और यहाँ पर वेन्यू की बात किया जाए तो सारा मैचेस आपको इसी ग्राउंड पे खेला जाएगा। कल भी मैंने आपको बताया, आज भी बता रहा हूँ भाई, सारा मैचेस आपको ब्रायन लारा स्टेडियम टरूबाव ट्रिनिडाड वेस्ट इंडीज में खेला जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो एक बार पिच रिपोर्ट जान लीजिए। पिच बैलेंसड है, गुड फॉर स्पिन बॉलर्स है। एवरेज स्कोर यहाँ पर 100 से 110 रन तक भी जा सकता है भाई। यहाँ पर इससे ज़्यादा स्कोर नहीं जाने वाला। और कुछ प्लेयर्स अगर खेलते हैं तो 130-140 रन भी बन सकता है, लेकिन वो कौन प्लेयर है सब कुछ बताऊँगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाई, विकेट कीपर में किसको पिक करना चाहिए और बैटिंग सेक्शन में कौन सा प्लेयर अच्छे फॉर्म में और क्यों लेना चाहिए ये भी बताऊंगा। ऑलराउंडर्स डिपार्टमेंट में बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी को कौन संभाल रहे हैं ये भी जानना हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और गेंदबाजी डिपार्टमेंट में एकॉनमी वाइज बॉलर कौन है, उनमें से कौन से प्लेयर को पिक करेंगे तो हमारा टीम स्ट्रांग बनेगा, ये सारा जानकारी आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले भाई आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका हूँ। अगर लिंक ओपन नहीं होता भाई तो टेलीग्राम पर जाके क्या सर्च करना आपको वीडियो पर शो होगा भाई, उसी प्रकार जाके टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो सीधा मेरे चैनल पर आ जाएंगे। तो 2300 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी जल्दी से फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए भाई अब लेट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर आपको विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में किसको लेना चाहिए मैं बता दूंगा भाई। तो यहां पर काफी प्लेयर्स है, डैमियन सिंह है। तो डैमियन सिंह लास्ट मैच में 4 रन ही बनाए भाई, कोई बड़ा स्कोर इनसे नहीं बना। उसका बताते हैं भाई, यहां पर लियोनार्डो जूलियन अगर देखा जाए तो पहला मैच तो अभी तक एक भी मैच नहीं खेले, लेकिन इनकी अगर बेस्ट स्कोर बात किया जाए तो लास्ट 5 मैच में यहां पर इनकी जो बेस्ट स्कोर है 57 रन है भाई। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो, अगर खेलेंगे, अगर नहीं खेलते तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उसका बाद केविन राघवीर है भाई, केविन राघवीर अगर देखा जाए तो लास्ट मैच में प्लेइंग 11 में था, लेकिन इनको बैटिंग बॉलिंग कुछ मौका नहीं मिला भाई। उसका बाद आते हैं यहां पर ये तीनों में से किसको लेना चाहिए। तो यहाँ पर भाई केविन राघवीर है और इसके साथ है डी सिंह है, तो इन दोनों में से आप किसी भी एक को ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं डी सिंह के साथ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने एक बैट्समैन को एक विकेट कीपर को पिक कर चुके हैं। और बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में भाई यहाँ पर आपको इवन लेविस लास्ट मैच में प्लेइंग 11 में थे, लेकिन ये बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं किया भाई। लेकिन ये किस टाइप का प्लेयर है पूरा दुनिया जानता है भाई। अगर ये ग्रीस पर रहेंगे तो बड़ा स्कोर बना सकते हैं, IPL दुनिया के जितने भी बड़े लीग से सारे लीग से खेल चुके हैं भाई। तो इनको आप टीम पे जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लेयर खतरनाक है, इनकी फॉर्म की जरूरत नहीं भाई। अगर ये फॉर्म पे एक मैच भी अच्छा खेलते हैं तो एक बड़ा स्कोर बना सकते हैं कम गेंदों पे। तो यहाँ पर इविन लेविस को मैं टीम पे जरूर रखूंगा। उसके बाद भाई यहाँ पर आते हैं क्लेरियल ग्लासगो की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर लास्ट मैच में 14 रन बनाए भाई 13 गेंदों पर, फिलहाल इनको मैं अवॉइड कर रहा हूँ। उसके बाद भाई के जॉन वॉटली अगर देखा जाए तो लास्ट मैच में 12 रन बनाए 8 गेंदों पर, लेकिन ओवरऑल लास्ट 5 मैच में देखा जाए तो इनकी जो बेस्ट स्कोर है भाई 54 रन से। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं टीम पर रख रहा हूँ। उसके बाद भाई अकेल कूपर अगर देखा जाए तो लास्ट मैच में प्लेइंग 11 में थे, लेकिन मौका नहीं मिला। लेकिन उसकी प्रीवियस मैच में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 32 रन बनाए थे 23 बॉल्स पर। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए इनको भी मैं अवॉइड कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं मैं डैनियल एंटोनी अगर देखा जाए तो बल्लेबाज है, लेकिन लास्ट मैच में बल्लेबाजी तो नहीं किए, लेकिन एक ओवर गेंदबाजी किए भाई, 0 विकेट, कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन 10 रन ये दे चुके हैं। मार्क देयल भाई सबसे इंपॉर्टेंट पिक है, लास्ट मैच में 69 रन बनाए और 2 विकेट्स भी लिए हैं। और यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी खतरनाक प्लेयर है, अच्छे गेंदबाजी के साथ साथ अच्छे बल्लेबाजी भी करने की यहाँ पर क्षमता रखते हैं भाई। तो इस प्लेयर को मैं जरूर टीम पर रखूंगा, तो आप भी टीम में जरूर रख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 3 प्लेयर्स को पिक कर चुके हैं भाई। अब आता है भाई यहाँ पर एक और बल्लेबाज है, तो बल्लेबाज यहाँ पर रिवाल्डो राम लोगन है भाई। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो, लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं मिला भाई, ज़्यादा रन दिए 36 रन दे दिए, तो इनको मैं ड्रॉप करूंगा। तो ये 3 बल्लेबाज काफी है भाई, एक बार टीम अच्छे से देख लें आपकी डाउट क्लैरिफाई हो जाएगा। विकेट कीपिंग पे डी सिंह, 3 बल्लेबाज लिविस ऑटली और मार्क देयल है। तो यहां पर 3 बल्लेबाज को मैंने यहां पर पिक कर लिया। अब आता है भाई गेंदबाजी डिपार्टमेंट में ऑलराउंडर्स पे, तो ऑलराउंडर्स पे पहला प्लेयर जो है भाई एड्रियन कूपर लास्ट मैच में 1 रन बनाए भाई, लेकिन इनकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो लास्ट 5 मैच में कोई बड़ा स्कोर नहीं है भाई। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनके पास 4 विकेट है। तो यहां पर एक गेंदबाजी करते आपको विकेट्स दे सकते हैं, तो इस प्रकार सोचेंगे
होंगे तो आप यहाँ पर इस प्लेयर को जरूर टीम पे रख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं भाई अकिन चैंडलर अगर देखा जाए तो लास्ट मैच में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, 0 विकेट है, तो इनको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ भाई यहाँ पर। उसके बाद आते हैं क्रिस्टोफर विंसेंट लास्ट मैच में 6 रन 1 विकेट है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन लास्ट 5 मैच में 1 ही विकेट है, तो यहाँ पर इनको ज़्यादा लोग पिक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनको मैं ड्रॉप करना चाहूँगा। जो मिला भाई इनको कैचिंग का मिला भाई, कैच स्टंप फील्डिंग अच्छा किया, तो यहाँ पर क्रिस्टोफर विंसेंट को इस मैच में मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। और यहाँ पर आते हैं भाई जेवन जॉर्ज अगर देखा जाए तो लास्ट मैच में यहाँ पर इनको 1 विकेट भी मिला भाई, तो जेवन जॉर्ज यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट मैच तो नहीं खेले, इनकी जो एक ही मैच की रिकॉर्ड है भाई 3 रन और 1 विकेट है, तो इनको आप ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद आते हैं भाई शत्रुघ्न रामभरन काफ़ी अच्छा पिक है भाई, लास्ट मैच में 52 रन बनाए और कोई विकेट तो नहीं मिला, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पिक है, और यहाँ पर इनकी जो बेस्ट है 52, 38, 49 इस प्रकार स्कोर भी बना चुके हैं, तो इनको मैं जरूर टीम पर रख रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 प्लेयर हमने पिक करके रख चुके हैं भाई यहाँ पर, उसमें एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर भी ऐड करूंगा बीच में, लेकिन ये 6 प्लेयर बहुत जरूरत है अभी के लिए, तो यहाँ पर हमने पिक कर लिया। अब आता है भाई गेंदबाजी डिपार्टमेंट में एरिक गार्सिया का देखा जाए तो लास्ट मैच में 13 रन 0 विकेट है, 11 गेंदों का सामना किया, 13 रन बनाए, कोई विकेट तो नहीं मिला, तो फिलहाल के लिए ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन लास्ट 5 मैच में इनके पास 4 विकेट है, तो अब यहाँ पर टीम पर जरूर ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं भाई जेडन सीएलएस लास्ट मैच में 20 रन बनाए और 1 विकेट भी लिए, तो इनको मैं टीम पर रख रहा हूँ भाई, लास्ट 5 मैच में इनके नाम पे 5 विकेट है, तो एक इंपॉर्टेंट पिक है, आप जरूर टीम पर रखिएगा। उसके बाद आते हैं भाई रमेश ब्रिजलाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं भाई, तो रमेश ब्रिजलाल लास्ट 5 मैच में 4 विकेट है, तो इनको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ भाई यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर विकास राम प्रसाद अगर देखा जाए तो लास्ट तीन विकेट है और 78 रन, यहाँ पर बल्लेबाजी भी अच्छा कर लेते हैं, तो इनको यहाँ पर राम प्रसाद को यहाँ पर मैंने टीम पर ऐड कर लिया। उसके बाद एक और बॉलर है भाई यहाँ पर क्लेवॉन अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्लेवॉन कालवन अभी तक तो नहीं खेले भाई, लेकिन इनकी लास्ट 5 मैच में देखा जाए तो 3 विकेट है, तो आप इनको ड्रॉप कर लीजिएगा, अगर खेलेंगे तो आप ट्राई कर सकते हो। डैमियन जॉचिम की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग पर नजर आएंगे, लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन लास्ट 5 मैच में 3 विकेट है, तो इनको यहाँ पर ड्रॉप कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं भाई जस्टिन गंगू लास्ट 5 मैच में 4 विकेट है, हर मैच में गेंदबाजी भी कर लेते हैं भाई, तो यहाँ पर जस्टिन गंगू को आप यहाँ पर टीम पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद आते हैं भाई विशांत जगेसर लास्ट 5 मैच में 2 ही विकेट है, तो इनको मैं ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर के साथ हम लोग जा सकते हैं, तो एक्स्ट्रा ऑलराउंडर कौन है यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप विंसेंट के साथ जा सकते हैं सेफ पिक के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई यहाँ पर पहले टीम देख लीजिए, कितने गेंदबाज को यहाँ पर मैंने ऐड किया और एक विंसेंट को यहाँ पर मैंने ऐड किया भाई, और गेंदबाजी में 4 प्लेयर्स को लिए, तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे अगर मामले में देखा जाए तो काफ़ी प्लेयर्स है। मार्क दयाल एक सेफ पिक है भाई, उसके बाद शत्रुघ्न रामभरन को आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अगर देखा जाए तो काफ़ी प्लेयर्स रहने के बावजूद भी इन दोनों प्लेयर को मैं यहाँ पर इविन लिविस भी एक अच्छा पिक है, तो यहाँ पर नहीं तो आप फिलहाल के लिए शत्रुघ्न रामभरन को आप यहाँ पर टीम पर रख लीजिएगा। तो एक बार टीम अच्छे से देख लीजिए, आपकी हर डाउट क्लैरिफाई हो जाएगा भाई यहाँ पर। तो एक बार देख सकते हो भाई यहाँ पर विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो डी सिंह है, बल्लेबाजी पे लिविस ऑटली डायल है, और ऑलराउंडर्स पे विंसेंट क्रिस्टोफर, एक ऊपर शत्रुघ्न रामभरन है भाई, और गेंदबाजी डिपार्टमेंट में सीएलएस एरिक गार्सिया और यहाँ पर राम प्रसाद और यहाँ पर गंगू है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के मामले में अगर देखा जाए तो कैप्टन पे किसको लेना चाहिए, कैप्टन पे मार्क देल और वाइस कैप्टन पे शत्रुघ्न रामभरन है। तो ये जो हमारा टीम है भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट टीम है, तो इस टीम को मैं सेव करके रख लेता हूँ, आप भी टीम को सेव करके रख लेना, क्योंकि लाइनअप अनाउंस होने के बाद आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो टीम को मैंने सेव करके रख लिया, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं भाई। तो अगर डेली बात किया जाए तो यहाँ पर मैं 5 मैचेस कवर कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर ड्रीम 11 ट्रिनिडाड की 2 मैचेस खेला जाएंगे आज, ये दोनों मैच में कवर कर रहा हूँ, और यहाँ पर ओडिशा प्रीमियर लीग के 2 मैच हुआ था, दोनों मैच कंप्लीट भी हो गया भाई, दोनों मैच के वीडियो भी आया था। उसका भाई तमिलनाडु प्रीमियर लीग का 1 मैच है भाई, उसको भी हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनल टीम फर्दर अपडेट सब कुछ आपको दूंगा, तमिलनाडु प्रीमियर लीग का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ भाई, अभी तक आप जाके नहीं देखें तो जल्दी से जाके देख लेना। तो भाई मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट जो मैच उसको भी कवर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करना, इसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लेना, इसके साथ साथ फाइनल टीम फर्दर अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका हूं। तो भाई थैंक यू, जय हिंद।